9 फरवरी को मैं और केटी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और तुम बहुत ज़्यादा डरी भी हुई थी क्योंकि तुम पहली बार फ्लाइट में बैठ रही थी। हाँ ये तो सच बोल देखो उसका सर देखो उसको चक्कर भी आते हैं ना और हमको चारों तरफ का व्यू देख करके बहुत डर भी लग रहा था और क्योंकि मेरी सीट अलग थी तो हम दोनों पास भी नहीं थे। तो अभी हम कोची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं इस टाइम और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये हमारे वीडियो भी बनाते थे और मुझसे बातें भी करते थे वहाँ पे। हाँ क्योंकि मैंने उस टाइम टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिया था तो कभी ये नहीं सोचा था कि यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाना पड़ेगा। अब मैं हर एक सिचुएशन को हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था। देखो कीर्ति मेरा वीडियो बना अब ये देखिए हम लोग एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए निकल चुके हैं और कीर्ति पीछे बैठी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस मोमेंट को और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब आप पहली बार किसी नए शहर में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोच्ची और हम लोग को भूख लगी थी तो ब्रेकफास्ट के लिए हम कोच्ची के एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे साउथ इंडियन फूड इंडियन फूड नहीं मिल रहा है और तो हम लोगों ने उपम खाया है और डोसा खाया है, अब चाय पी रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और कीर्ति होटल स्पिन इंटरनेशनल पहुंच चुके थे और फिर हमारा रूम रेडी होने में टाइम था तो जैसे भी सारे कपल करते हैं हम दोनों भी अच्छी अच्छी फोटोएँ खींचने लगे। फिर कुछ देर बाद हमारा रूम रेडी हो गया तो हम दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर हम दोनों तैयार हुए और कीर्ति का आज का ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग को, मैं भी अच्छा ही लग रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर हम दोनों ने कुछ अच्छी अच्छी सेल्फी भी ली और एक एक मोमेंट को कैप्चर किया। फिर उसी दिन हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए एक जगह पे, लेकिन हमें वहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी और हमें ना कुछ वहाँ का लोकेशन भी अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग उसी टाइम फिर निकल गए दूसरे जगह के लिए जो एक म्यूजियम था, वहाँ का व्यू आप लोग देखिए अब। हेलो दोस्तों, हम लोग आ रखे हैं कोच्ची के एक म्यूजियम में जहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिली है मुझे। शेषनाग जी का पूरा स्टैचू है ये और ये 17वीं शताब्दी का है और बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा म्यूजियम का। आप लोग व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग अगर कोच्ची आइए तो यहाँ के म्यूजियम में ज़रूर आइए घूमने, सारी आपको एंटिक चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए। सारी एंटिक चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं। हमने वहाँ की कुछ फोटोएँ खींची जो कि आपको देखने को मिलेगा कि हाँ बहुत ही एंटिक एंटिक चीज़ें थी वहाँ पे और कीर्ति ने तो अच्छे अच्छे पोज दे के वहाँ पे फोटोएँ खिंचवाई। और क्या, मैं फर्स्ट बार गई थी तो वहाँ की कुछ यादें रहने चाहिए ना। जैसा कि आपको सिर्फ फोटोएँ देखने को नहीं मिलेंगी, आगे टिकटॉक की वीडियो भी देखने को मिलेगी कि हाँ, जैसा कि हम टिकटॉकर हैं भैया, हमारा मन किया वहाँ पे टिकटॉक की वीडियो बनाने की, हमने टिकटॉक की वीडियो भी बनाई। और ये वहाँ के फ्रंट की फोटो है उस म्यूजियम की, बहुत ही अच्छा था। एक पति के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अगर वो अपनी बीवी को हनीमून पे ले गया तो उसकी फोटोएँ खींचना, जहाँ देखो वहीं टेढ़ी होकर खड़ी हो जाती थी, भाई मेरी फोटो खींचो मेरी फोटो खींचो। आगे उसके टिकटॉक की वीडियो जरूर देखिए आप। आज टेडी बियर डे है और मैं उसको टेडी बियर डे विश करने जा रहा हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन। ठीक है, आ जाओ। हेलो टेडी बियर डे, हेलो टेडी बियर डे, डियर डे, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बट क्या करें, बहुत तेज आ रही है। कोई बात नहीं, एंजॉय। फिर डिनर का टाइम हो गया था, मैं थी डिनर के लिए गए वहाँ पे, हम लोगों ने अपना टेडी डे सेलिब्रेट किया और ये हमारे साथ का बहुत अच्छा मोमेंट था। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।